सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर राशन मिल सके, परंतु बड़ी दुख की बात है कि अम्बेडकर नगर जिले के कटेहरी ब्लॉक के नारायणपुर गांव में पंचम सहित 62 परिवारों को 35 किलो के बजाय उन्हें 28 किलो राशन मिलता है, जिससे उनको भरण पोषण करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कौन परेशानी बा? परेशानी है बा कि राशन में 30 किलो मिलता है, मिट्टी तेल 2 लीटर के अलावा केहू केहू 2 लीटर देते हैं, केहू 1 लीटर देते हैं, और केहू जैसे जान जेका जानत हैं ओका 5 लीटर देते हैं, जेका जानत हैं और ना कहते हैं का हम मूच के भर दे और डिब्बा उठा के फेंक देते हैं, और चीनी कब्बह नहीं, कभी कभी वैसे त्योहार दे दे ना देते हैं। कितना दिन से देते हैं? कम बहुत दिन से, तब जब से कोटा लेन तब से 25-30 साल हो ये कोटा ले। कौन परेशानी बा? राशन ना मिल पावत रहा सही ढंग से 25 साल से। कितना मिलत है भैया? 30 किलो 31 किलो ऐसे मिलत है। तो एकरी खातिर का की आगे? एकरी खातिर लड़ाई कई के बाटे, डीएम के पास चल के बाटे और थाना तक गबा सब मारपीट करे के नौबत आई के बाटे, बड़मनई लोग गरीब जन तक सतावत हैं। तो भैया आज तक ले कुछ ना भयो कर लेके? ना ही आता लगले कुछ ना भय, अब ये चाहे तक मतलब ये सब लड़ाई सुनवाई होत ना, सुनवाई हो जाए, कभी भी मतलब सहायता मिल सका था सरकार से। हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम सभा में कोटा निरस्त करके नए कोटेदार का चयन हो और ग्रामीण जनता जो 25 साल से चल रहा कोटा दबंगई का परिचायक है, उसके बजाय जनता एक सामान्य और नॉर्मल कोटा चाहती है जो कोटेदार सही उचित मूल्य पर सही व्यवहार के साथ सही मात्रा का वितरण करें और उनके साथ अत्याचार बंद हो। कि हमने डीएम को एसडीएम को तहसील दिवस में ज्ञापन दिए हुए हैं, एप्लीकेशन दिए हुए हैं। मैं चाहती हूं कि पंचम सहित 62 परिवारों को 35 किलो अनाज मिले ताकि उनका भरण पोषण हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कटेहरी ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-53-05 पर कॉल कर दबाव बनाए और मेरी मदद करें। मैं गायत्री राज, उत्तर प्रदेश, जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया अनहर्ड के लिए।